कलर्स टीवी पर आने वाला जाने माना शो बिग बॉस एक नए सीजन सितंबर के लास्ट तक टेलीकास्ट हो जाएगा। इस बार बिग बॉस 13 में होंगे बहुत सारे बदलाव और साथ साथ बहुत सारे धमाल। टाइम के साथ साथ शो में आने वाले मेंबर्स के भी नाम सामने आ रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त अपूर्वा गोस्वामी। बिग बॉस 13 होने वाला है काफी ज्यादा धमाकेदार, क्योंकि इसमें होने वाले हैं चार बड़े बदलाव, जिससे हो जाएगा बिग बॉस 13 और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग। ये कौन से चार बड़े बदलाव हैं, आइए हम आपको बताते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। सबसे पहला बदलाव, बिग बॉस के लास्ट 12 सीजन से बिग बॉस का घर मुंबई के लोनावला में रेडी हो रहा था, लेकिन इस बार ये घर लोनावला ना बनकर मुंबई की ही गोरेगांव फिल्म सिटी में रेडी हो रहा है। वैसे तो बिग बॉस के घर के अंदर का माहौल हमेशा ही गर्म रहता है, लेकिन जब बाहर का मौसम इतना गर्म है तो घर के अंदर के लोगों का कितना गर्म दिमाग होगा, ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। दूसरा बदलाव, सलमान हर सीजन में वीकेंड पर आकर घर वालों से मिलते हैं, लेकिन इस बार यानी कि बिग बॉस 13 में सलमान खान अकेले नहीं बल्कि उनके साथ कटरीना कैफ भी आएंगी। जी हाँ, कटरीना कैफ इस सीजन में सलमान के साथ को होस्ट करती हुई नजर आएंगी। सलमान खान के र्यूमर लवर कटरीना कैफ भी आपको देखने को मिलेगी बिग बॉस 13 में। तीसरा बदलाव, हर सीजन में मेकर्स कोई ना कोई थीम लेकर आते हैं, लेकिन इस बार की थीम होगी हॉरर। हो सकता है घर वालों का भूतिया मेकअप किया जाए या फिर घर के अंदर भूतिया माहौल क्रिएट किया जाए, और जब कोई डरता है तो सच तो इंसान बोलता ही है, तो बस फिर अब निकलेगा घर वालों के मुंह से असली सच। चौथा बदलाव, आखिरी बदलाव ये है कि इस बार बस देखने को मिलेंगे घर के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रिटीज। जी हाँ, इस बार कॉमनर्स नहीं बल्कि इस बार सारे सेलिब्रिटी होंगे बिग बॉस 13 में। इसका रीजन ये है कि कॉमनर्स की वजह से बिग बॉस की टीआरपी में काफी ज्यादा फर्क आया है, और लोगों का कहना है कि कॉमनर्स की वजह से शो में बदतमीजी भी बहुत ज्यादा होती है। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इसी तरह की बिग बॉस 13 की लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल अर्पण न्यूज को करें सब्सक्राइब, और यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पर आई कोई भी इंफॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।